चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया गया था। तब ऐसा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बना था। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किए गए चंद्रयान 1 में भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, स्वीडन और बल्गेरिया में बने 11 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लगे थे। इसने चांद में रासायनिक, मिनरोलॉजिक और फोटोजियोलॉजिकल मैपिंग करी थी। परंतु चंद्रयान 1 मिशन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी चांद पर पानी होने की पुष्टि करना। चंद्रयान 1 में एक डिवाइस लगा था MIP यानी मून इम्पैक्ट प्रोब। इसे 14 नवंबर 2008 को चांद की सतह पर गिराया गया था। इसरो के बाद चंद्रयान 1 से मिले डेटा की स्टडी कर रहे अमेरिका की हवाई यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने भी यह दावा किया है कि पृथ्वी के हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन चांद पर पानी बना रहे हैं। परंतु कैसे, आइए जानते हैं। ये इलेक्ट्रॉन पृथ्वी की प्लाज्मा शीट में है जो मौसमी प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार है, यानी इनके होने से ही पृथ्वी के मौसम में बदलाव होता है। वैज्ञानिकों का दावा है कि ये इलेक्ट्रॉन चांद पर मौजूद चट्टानों और खनिजों को तोड़कर घोल रहे हैं। इससे चांद के मौसम में भी बदलाव आ रहा है। नेचर एस्ट्रोनॉमी जर्नल में पब्लिश स्टडी में कहा गया है कि इन इलेक्ट्रॉन ने चांद पर पानी बनाने में मदद की। स्टडी के मुताबिक प्रोटॉन जैसे हाई एनर्जी पार्टिकल से बनी सोलर वाइन चंद्रमा की सतह पर बिखर जाती है। वैज्ञानिकों ने चंद्रमा का पृथ्वी के मैग्नेटोटेल से गुजरने के दौरान वहाँ के मौसम में होने वाले बदलाव का अध्ययन किया। वैज्ञानिक सू आई ली ने कहा, जब चांद मैग्नेटोटेल के बाहर होता है तो इसकी सतह पर सोलर वाइन का बौछार होता है, वहीं जब चांद मैग्नेटोटेल के अंदर होता है तो सतह पर सोलर वाइन नहीं पहुंचती है, इस वजह से पानी बनने की संभावना होती है। चांद पर 14 दिनों तक रात होती है, तब सूर्य की रोशनी नहीं होती है, तब सोलर वाइन की बौछार होती है, इसी दौरान पानी बनने का दावा किया गया है। यह एक इतनी बड़ी खोज थी कि नासा को भी इसरो का लोहा मानना पड़ा था।